दोस्तों, महिला तूफान चैनल की ओर से मैं सुमित्रा सिंह अपनी आवाज़ में आप लोगों को आज हरितालिका व्रत कथा सुनाती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस व्रत कथा के बारे में कहा जाता है कि सुनने मात्र से ही बहुत सारे हमारे पाप धुल जाते हैं और बहुत सारा यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो ये कथा आप जब चाहें तब सुन सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तीज व्रत का समय चल रहा है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि हो सके जिन माताएं बहनों के पास व्रत कथा की किताब ना हो या वो मंदिर में ना पहुँच सकें तो घर में ही ये व्रत कथा सुन लें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। माता पार्वती जो है वो शंकर भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप कुछ ऐसी कथा बताएं, ऐसा व्रत बताएं, विधि बताएं, पूजा पाठ बताएं, जिससे करने से स्त्रियों सौभाग्य प्राप्त करें और उन्हें आपके जैसा पति प्राप्त हो और हमारे पाप धुल जाएं और हमें बहुत पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कुछ आप एक व्रत बताएं। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। हिमवान नामक एक पर्वत था और उसके आसपास बहुत सारी भूमियाँ थी, पशु पक्षी थे और वहाँ अप्सराएं भी नाचती थी और गंधर्व गाते थे। तो इस तरह से वह पर्वतराज बहुत ही अच्छा था। वहाँ पे पर्वत बहुत अच्छे थे, हर चीज़ अच्छा था, शिखर थे और वहाँ बहुत सारे रत्न भी पाए जाते थे, रत्नों की खान भी पाई जाती थी। तो वहाँ पे तुम बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही, माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी, श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए, वे चिंता में पड़ गए कि अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्ध पाग आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा हो भाग्य आपका आगमन मेरे लिए अच्छा हो। तब नारद जी कहते हैं कि हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। सहर्ष तुरंत ही पार्वती के जो पिता थे वो तैयार हो गए हिमवान और कहें कि मैं अपनी कन्या को विष्णु भगवान को ही दूंगा। इस तरह से जब ये बातें, ये संदेश लेकर वो अपनी पुत्री के पास गए और पुत्री को बताएं तो पुत्री जो है पार्वती जी वो बहुत दुखी हो गई कि मेरा विवाह मेरे पिता ने विष्णु भगवान के साथ कर दिया है और मैं तो हमेशा से भगवान शिव की पत्नी बनना चाहती हूँ, भगवान शिव से ही प्रेम करती हूँ, उनसे ही विवाह करना चाहती हूँ। अब वो विलाप करने लगी, बहुत दुखी हो गई और ज़मीन पर गिर गई। इस तरह दुखी देखकर उनकी दोस्त बोली, तुम क्यों इतनी दुखी हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी। इस तरह से वो उनकी सखी के पूछने पर वो सब कुछ बता दी। पार्वती जी बोली, मेरी जो इच्छा है कि मैं जो है शंकर भगवान से ही विवाह करूँ, मैं उन्हें ही अपना पति मान चुकी हूँ और मैं उनसे ही विवाह करना चाहती हूँ। तो उसकी सखी बोलती है कि ठीक है। बहुत सारी सखियाँ मिलकर उसे पार्वती जी को वहाँ से लेकर घने वन में, जंगल में चली जाती हैं और कहती हैं कि हे पार्वती, तुम अपने शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता ना लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते ही मन मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताएं। तो हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, ना मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। ऐसी ऐसी कल्पना करते हुए वो अपने पुत्री के दुख में वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे थे। वन वन खोजने लगे, हिंसक जंतुओं के वनों में भी वो खोजने लगे
और चलती चलती एक ऐसी जगह जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया। भगवान श्री कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उधर तुम्हारे पिता खोज रहे थे, इधर तुम चलती चलती एक कंदरा में जा पहुंची जहां नदी बह रहा था, वहीं तुम अपना रहने का आश्रम बना ली और मेरी जो है बालू कामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ पूजा अर्चना करने लगी, निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाग आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस वर्त राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैं मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया। वो पहचान गए कि इसमें मेरी एक पुत्री पार्वती है और फिर पार्वती से पूछे कि तुम क्यों अपना घर छोड़कर इस घने जंगल में हिंसक जंतुओं के साथ रहने चली आई। तब पार्वती जी बोलती हैं कि पिताजी, मैं अपना सर्वस्व शिव शंकर भगवान को मान चुकी हूं और मैं उनसे ही विवाह करना चाहती हूं, इसीलिए मैं उनकी तपस्या करने और आपसे दूर इस जंगल में चली आई। तब उन पार्वती जी के पिता ने हिमवान ने सांत्वना दी कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ ना करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा अर्धार्शन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। तो भगवान ने बताया कि यह वह समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाया गया, इसलिए समस्त स्त्री जाति को यह व्रत, अगर अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, सदा सुभाग्य रहना चाहती है, तो ये व्रत यत्नपूर्वक करे। पूजा कैसे करें। पूजा की विधि भगवान ने बताएं कि केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावें, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से उसे सजाएं और सुगंधित द्रवों से मंडप लिपवाएं। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के भजन गाएं, मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें और दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फल जो उस समय में ऋतु फल मिलते हैं उनसे पूजा करें। उस फल में बहुत से ऋतु फल के अलावा नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हुए उन्हें इकट्ठा करें और उनसे भगवान की पूजा करें, दीप आदि करें, धूप दीप दिखावें और भगवान शिव को, हे शिव शिव रूपेण, हे मंगले, सब अर्थों की देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर भगवान शंकर और पार्वती माँ की विधिवत पूजा करें। चाहे तो आप स्त्री पुरुष दोनों मिलकर भी भगवान शंकर पार्वती जी का पूजा कर सकते हैं, नहीं तो स्त्रियां पूजा करें और पूजा करने के उपरांत जो है वस्त्र आदि का संकल्प लेकर, हे देवी, जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती है वह सब पापों से छूट जाती और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत ना कर अन्नभक्षण करती है तो वह 7 जन्म तक बांध्या रहती है और बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की झगड़ालू सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास ना करने वाली स्त्रियां अंत में घोर नरक में जाती हैं। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सापिन, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दें और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं और जब वह मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरितालिका की व्रत कथा
का मांस लेने से प्राणियों को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इस तरह से आज की कथा का समापन हुआ। आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, मेरे चैनल में हैं तो सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। इसी तरह की मैं कुछ व्रत कथाएँ भी आप लोग के लिए लाते रहती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।